हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रतीक और आज हम फोर्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स को समझेंगे। व्हाट इज फोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशन में आगे बढ़ने से पहले बेसिक आइडिया अबाउट फोर्स इज इम्पोर्टेंट, सो लेट्स स्टार्ट। Force is any action that tends to maintain or alter the motion of a body. Unit of force is Newton. जैसे लेंथ को मीटर में मेजर किया जाता है, ठीक उसी तरह फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में। किसी भी चीज को जब आप पुश या पुल करने की कोशिश करते हैं तो उसका मतलब है कि आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है। There are different types of forces like gravitational force, electromagnetic force, nuclear force, balanced force and unbalanced force. ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है जो अर्थ सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सर्ट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स। चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इफ चार्जेस आर अपोजिट देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स एंड इफ चार्जेस आर सेम मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में होता है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बैलेंस्ड फोर्स को समझने के लिए टग ऑफ वॉर एक अच्छा एग्जाम्पल है। फोर्स की हमेशा एक डायरेक्शन होती है और न्यूटन में अमाउंट ऑफ फोर्स को एक्सप्रेस किया जाता है। लेट्स से टीम ए इज अप्लाइंग फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन और टीम बी की तरफ से भी सेम साइज ऑफ फोर्स दैट इज 10 न्यूटन अप्लाई किया जा रहा है। बोथ फोर्सेस विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। इस केस में क्या होगा, देयर विल बी नो मूवमेंट एंड नो चेंज इन मोशन। दीज आर कॉल्ड एज बैलेंस्ड फोर्सेस, इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। Unbalanced forces are not equal and opposite. Suppose कि टीम B extra force apply करती है, the forces will be no longer equal and they will pull team A in this direction, means where force is larger. So these forces are unbalanced forces which cause motion in objects or change in motion of object. तो tug of war के example के साथ शायद आप ये भी समझ चुके हैं कि force और motion एक साथ कैसे काम करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को जब आप देखते हैं कि वो स्टेशनरी है मीन्स देयर इज नो मोशन, एक्चुअली इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेनी फोर्सेस। कई सारे फोर्सेस इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं बट बिकॉज नेट फोर्स इज जीरो द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग मीन्स देयर इज नो मोशन। अब आप इसे किसी तरह से पुश करेंगे मीन्स फोर्स इज एडेड हियर, सो नेट फोर्स इज डिस्टर्ब एंड ऑब्जेक्ट विल कम इन मोशन। टग ऑफ वॉर में जब फोर्सेस बैलेंस थे तब नेट फोर्स जीरो था जिसके कारण दोनों तरफ मोशन नहीं थी। इस तरह के फोर्स के कई सारे एग्जांपल्स आप डेली लाइफ में देख सकते हैं। व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट समटाइम्स देयर विल बी चेंज इन शेप, फॉर एग्जांपल बेंडिंग अ मेटल वायर, यू मे फाइंड चेंज इन मोशन। सपोज फुटबॉल इज एट रेस्ट एंड यू किक इट, इट विल स्टार्ट मूविंग। इन सेम वे यू कैन स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉल, चेंज इन डायरेक्शन। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कैन चेंज इट्स डायरेक्शन आफ्टर अ फोर्स इज अप्लाइड। ऑल्सो स्पीड कैन बी एक्सेलरेटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सो फ्रेंड्स, आने वाले समय में आपको कई सारा यूजफुल स्टडी मटेरियल और नॉलेज हमारे इस चैनल पर मिलने वाला है। वी विल ट्राई टू मेक कमिंग वीडियोस मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर इजी टू अंडरस्टैंड। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।